That's a shot. दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी कजाफी स्टेडियम में जारी रहा। कैंप के दूसरे रोज सुबह के सेशन में खिलाड़ियों ने लाहौर के सुहाने मौसम में कजाफी स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की डटकर ट्रेनिंग की। कैंप के बाद मीडिया से गुफ्तगु करते हुए ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कोशिश करेंगे कि अपनी कारकर्दगी से सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करें। चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो कोशिश यही है कि टेस्ट में मेरा नाम आया, जैसे बाकी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ तो इंशाल्लाह इधर भी परफॉर्मेंस दूँगा। ऑलराउंडर का कहना था कि आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम कामयाबी हासिल करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पहले जा रहे हैं, प्रैक्टिस मैच है, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी कंडीशन में एडजस्ट हो सके। हम कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान टीम हराएगी इंशाल्लाह ताला इन सबको। लेग स्पिनर शादाब खान ने तबीयत नासाज होने की वजह से दूसरे रोज ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया। अहम टूर की तैयारियों के लिए तरबियती कैंप मजीद दो रोज जारी रहेगा।